पिछमाल का इलाका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला जोरेला आया था इसने यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई है। उस तरफ हम जा रहे हैं, ये कैलाब से तकरीबन 3-4 किलोमीटर पहले आता है और यहाँ पर आगाज़ यहीं से हुआ था। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो है ना वो रोड किनारे दोनों जानब मौजूद है, और ये इसलिए है कि लोग पैदल आ रहे हैं और बीच बीच में से कुछ जगहों पर लोग गाड़ियों को तब्दील करते रहते हैं और वो पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये लोगों की बस की बात नहीं है, आम जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो सकता। कालाम रोड है पिशमाल के मुकाम पर, जो सबसे बड़ा रेला जो गुजरा था वो यहाँ यहीं से था। रोड को काफ़ी डैमेज किया हुआ है, मैंने आपको दिखाना है कि कालाम रोड इस वक्त इस मुकाम पर कैसा है और कितने दिनों में ये तवक्कु की जा रही है कि ये खुल जाएंगे, क्योंकि आप अंदाज़ा ख़ुद लगाएंगे तो ये सूरत हाल है। यहाँ तक जीपें जो है ना वो रास्ता बहाल है पिशमाल तक, फिर आगे जो है ना वो रास्ता फिर बंद है। तो थोड़ा सा मैं ये ब्लॉक वाला एरिया आपको दिखाना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े पत्थर और जो चीज़ इसके सामने आया वो इसमें बह गया है। एक्सीवेटर अगर आप देखें तो वो भी इसमें बह गया है। ये बहुत ही मतलब छोटा सा नदी था, लेकिन इस वक्त सारा जो है ना वो नुकसान जो है ना वो हो गया। ये मुकामी लोग बता रहे हैं कि 2 गाड़ियाँ भी बह गई हैं, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। अभी इसको इस तरह बहाल कर दिया है कि 4-व्हील गाड़ी मतलब यहाँ पर आ जा सकती है। यहाँ आपको दिखाऊँ तो मोटरसाइकिल और 4-व्हील गाड़ी इसको क्रॉस कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे भी जाते। और सबसे जो मुश्किल, सबसे जो मतलब ज़्यादा नुकसान हुआ इस नदी ने किया, और इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ना वो पानी बहना शुरू हुआ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा ये बताए कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं ये पहले, आप इसको देखें, मोटरसाइकिल जो है ना वो गिर गया है, इस पत्थरों पर गाड़ी कैसे मतलब चलाएंगे ना। तो सर आपका नाम क्या है और बताए कितना नुकसान हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और मैं यहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ। बाकी बात यह है कि ये एक अजाब था अल्लाह की तरफ से, तमाम लोग इसमें ज़्यादा मुतासर हुए हैं इस नाले की वजह से, जो नीचे बहकर ये दरिया को ब्लॉक कर दिया था इसने। यहाँ से लेकर तकरीबन 1 किलोमीटर ये पानी खड़ा रहा, आर पार के तमाम आबादियों को भी नुकसान पहुँचा है जुज़वी तौर पर, लेकिन ये अल्लाह का करम हुआ है कि इस एरिया में जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी सब मकाने, सब रोडें मतलब तबाह हो चुके हैं। हुकूमत वक्त से भी हमारा ये अपील है कि ज़्यादातर कोई हेलीकॉप्टर से हमारा इतना कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हमारी रोड पर दी जाए और हमारे रोड को ज़्यादातर तवज्जो देकर हफ्ते के अंदर मतलब बहाल किया जाए। और मुकामी हुकूमत वक्त की तरफ से इंजीनियर अमीर मुकाम का भी हम इंतहाई मशकूर हैं कि उसने तमाम मसरूफियात छोड़कर हमारे लोगों का आकर हौसला अफजाई की और हुकूमत को हमारा पैगाम भी पहुँचाने के लिए भी वादे भी किए। इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी दावत देकर यहाँ बुलाएँगे ताकि इन लोगों का हौसला अफजाई हुए और इन लोगों को वक्ती तौर पर रिलीफ मिल सके। ये बताइए इसमें गाड़ियाँ भी बह गई, कितने मकानात बह गए यहाँ पर इस इलाके में? यहाँ इस इलाके में एक गांव था जहाँ जिसको अरियानी कहते हैं दिरलम, वहाँ 21 मकान है, वहाँ एक जगह से बह गए हैं और हमारे पिशमाल के कुल मिलाकर 20-22 मकानों तक वो तो बह गए हैं। बाकी लेकिन 30-40 मकान इस तरह हैं कि वो बसर करने के, उसमें कोई ज़िंदगी बसरने के काबिल नहीं रहे और वो भी मतलब यह कि बहने के बराबर है, वो भी दब चुके हैं, दरिया ऊपर आ गए, भराई हो गई है, कम से कम 50-100 फुट अपनी पोजीशन से दरिया ऊपर आ चुकी है, हेलीकॉप्टरों में इतना मेहमान लोग अभी तक बाकी हैं। मेरा नाम जन्नत गुले जी, मैं पिशमाल का रहने वाला हूँ। इधर जो दरिया है इसने तकरीबन इधर 15-20 जो घर है उसको मसमार किया हुआ है, इससे ऊपर जब जाए ना इधर जो घर है उसको भी बहा कर लेकर आए, तकरीबन
तीन चार दिन हो गए इधर जो लोग हैं इधर हरियाणा में पिशमाल में उनके लिए कोई राशन का बंदोबस्त नहीं है। हम डीसी साहब से और कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरी इनको रिलीफ दिया जाए। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं सबको कि हमारे रोड पे फोकस दे जाए। जब रोड बहाल हो जाएगी तो हमारे जो फसलें हैं वो मार्केट तक पहुँच जाएंगी। जो हमारा पूरा निज़ाम रोड पर है हम सब आप सराने बाला से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा रोड बहाल हो जाए, हमारा पूरा काम इसमें हो जाएगा। यहाँ की जो मकीन है वो बेघर हुए हैं, बल्कि वो उस घर में चले गए हैं। मतलब इनके दोस्तों का या इनके रिश्तेदारों का घर है तो वहाँ पर उन्होंने पनाह ली है। तो इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है, सारा जो मामला है वो तो पानी में है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम खुश हैं कि हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी हम सब मुतासर हुए, अभी तक हमारे मकानों की एक एक छत जो है वो पानी में है और हमारा यहाँ से जो घर है वो हमने खाली करा दिया गया है और यहाँ से हम निकल कर मुख्तलिफ जगहों से पर जाके दूसरे रिश्तेदारों के साथ डेरे लगाए हुए हैं और हमारे मकानों की तरफ ज़्यादा पानी अभी आ रहे है। तो हमें ज़्यादा ये अपील करते हैं तो हुकूमत वक्त है कि जब भी मौका मिले तो हमारे इन घरों को तहफ़ के लिए सपोर्ट किया जाए। हम विज़िट करने के लिए आया था फैमिली के साथ, मुझे यहाँ पे एक हफ़्ता दो दिन हो गए। पहले तो मौसम खुशगवार था, कोई मसला नहीं था। जब बारिश ज़्यादा शुरू हुई थी तो फिर सैलाब का ख़तरा था। रस्ते के अंदर जो लोकल मकामी लोग थे उनसे इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली ये रास्ता बीच में डैमेज हो गया। फिर मदियान का और बहरीन का भी मसला हो गया तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। सो फ्लड सिचुएशन के अंदर अभी हमें कहें आलमोस्ट 4 to 5 days हो गए हैं। अभी तक लकीली अल्लाह का शुक्र हमें खाना पीना भी मिल रहा है, होटल भी फ्री हो चुका हुआ है और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी काफ़ी हमारी मदद करते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो भी काफ़ी जाना हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं कि ये लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ पर आए हैं और ये अब वापस इनका जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक हफ्ते से वो यहाँ पर है तो आगे इनके फैमिली है, घर वालों को फिक्र होगी। पुल भी बह गया है लेकिन मुकामी लोगों ने आर्जी तौर पर इसका मुरम्मत है वो किया है, अपने काम ले रहे हैं। और इस वक्त मैं कालाम के इलाके पिशमाल में मौजूद हूँ। कालाम से 3 किलोमीटर पहले ये मुकाम आता है और यहाँ पर भी सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई है। यहाँ अगर हम देखें तो मकानात और दुकान ब्रिजेस सारे बह गए हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बेहतरीन राबिता ब्रिज था तो वो सैलाबी रेले के नज़र हो गया और इसका मलबा आप देख रहे हैं आगे उस साइड पे जो है ना वो पड़ा है। आपका नाम क्या है, कितने नुकसान हुए हैं और आने जाने का क्या प्रोग्राम है अभी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फजल खालिक है, मैं यहाँ पिशमाल का बाशिंदा हूँ। जिस टाइम सैलाब आया उस टाइम ये दुकानें जो नज़र आते हैं ये सब के सब सामान के भरे हुए थे। अल्लाह के तरफ से ये आफत आ गए, सब के सब किसी ने कोई चीज़ भी नहीं निकाले। यहाँ दो ब्रिज थे, एक ब्रिज ये सामने नज़र आता ये ब्रिज था, एक स्कूल के साथ दूसरा ब्रिज था। ये दोनों ब्रिज सैलाब के जिद में आकर ये बहा के चले गई। अच्छा। ये होटल जो नज़र आते हैं ये भी अंदर से पानी से, यहाँ हमारे यूनियन कौंसिल का दफ्तर था। अच्छा। वो भी पानी से भर कर उसका सामान भी निकल कर चला गया। ठीक है। इसके अलावा ऊपर ये बाजार, इस बाजार में भी पानी गया। जितने दुकानदार थे जितने बाजार थे वो सब के सब मुतासर हो गए। सामान इशाए खुर्दनोश जो था वो इस्तेमाल नहीं रहे। इससे अलावा ये दो मकान हैं ये अभी बनाए थे, इसमें तमाम के तमाम सामान थे वो पानी ने निकाल कर भर के चले गए। मकानात बह गए होंगे अभी तक? यहाँ इस इलाके के नीचे जो गांव है वहाँ 25 मकानात एक साइड पर थे। अच्छा। और 20-25 दूसरी साइड पर। अच्छा। वो बहकर चले गए। जो अच्छा। सामने जो सामने नज़र आते हैं, हाँ ये जो सामने नज़र आते हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10-15 मकानात थे। अच्छा। ये भी पानी से ये मुतासर हो गया। अभी लोग काम कर रहे हैं, इसमें जो सामान थे वो तो पानी ने निकाल लिया है। गाड़ी भी फंस गई थी वहाँ। हाँ, ये गाड़ी भी फंस गया। यहाँ से 2-3 गाड़ी थे वो चली गई पानी ने लेकर। अच्छा, पानी लेकर। हाँ, वो पानी लेकर गए।
इसको भी टो चेन लगा कर वहाँ बांधी थी, इस वजह से ये रह गई ये गाड़ी। अच्छा। ये गाड़ी इसलिए रह गई, इसको टो चेन लगाए थे यहाँ से ऊपर पत्थर के साथ बांधे थे, उस वजह से सिर्फ ये एक गाड़ी बच्चे, बाकी गाड़ी अमलाक दुकान सब के सब। ये बताए कि वहाँ जाने के लिए आप क्या कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं? ये मणिक्याल से लेकर कालाम तक सिर्फ एक ब्रिज बाकी है वहाँ नसीम खान के होटल के साथ। पैदल? हाँ पैदल है, गाड़ियों का कोई बंदोबस्त नहीं, आने जाने का सिर्फ वो एक रास्ता है। अच्छा। जो वो उस वो ब्रिज पर तमाम के गाँव के लोग सिर्फ ये एक ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, क्या होना चाहिए, आप इस हुकूमत से क्या मदद चाहते हैं? हम हुकूमत से हमारे बड़े न बड़े अपील ये मदद ये है कि रोड बना ले। अच्छा। हाँ, अगर रोड बन गए सब के सब सब कुछ इशाए खुर्दन सब कुछ पहुंच जाएगा, अगर रोड नहीं बनी तो कुछ नहीं होगा। अच्छा। हमारा बड़ा मुतालिबा ये है कि हुकूमत हमसे बड़ा ताउन ये करे, जिसका घर ख़राब हुए जिसके मकान, उसके लिए कोई इमदाद कर ले, कोई टेंट मेंट का बंदोबस्त कर ले। ठीक है। इसलिए कि उनके घर मुकम्मल बह के चले गए हैं, उनका रहने सहने का कोई जगह भी नहीं रहा। ठीक। यहाँ एक और शेर भी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? समीउल्लाह। कितना नुकसान हुआ, क्या आपका कुछ मुतासर आप लोग? नुकसान तो सर जी बहुत ज़्यादा हुआ है, मैं खुद मिंगवारा के रहने वाला हूँ, इधर काम करता हूँ, काम के सिलसिले से आया हूँ। ये बहरीन से आगे जो है ना, तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 किलोमीटर रोड मुतासर है। अच्छा। टोटल रोड में यानी मिंगवारा से कलाम तक 10 किलोमीटर रोड मुतासर है। अगर रोड पर पहले काम शुरू किया जाए तो लोगों का मसला हल हो जाएगा। अच्छा। अमदुरप में भी तकलीफ नहीं होगी। दूसरी ये आबादियाँ ये जो बनती है तो सारे मटीरियल से बनती है, तो इधर तो मटीरियल नीचे से आती है, मटीरियल का इधर कोई बंदोबस्त नहीं है, तो खाने पीने की अशिया भी जो है ना रोड से आ जाती है। तो रोड का हुकूमत से हमारा ये मुतालिबा है, रोड बहाल करे जी। आपका नाम क्या है बाबा, और आप ये बताएं कि आपने इससे पहले इतना बड़ा सैलाब देखा है? हाँ, ये एक दफ़ा आगे आया था, 12 साल आगे आया था ये सैलाब, वो इतना नहीं था, थोड़ा था। अच्छा। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आया। अच्छा। इस दफ़ा आवाम को बहुत तकलीफ मिल गई, क्यों रोड सब खराब हो गई। अच्छा। आज ये बड़ा सलूक होएगा, हमारी रोड का गौर हो जाए। अच्छा, ज़रात के हवाले से कितना नुकसान हुआ है? पूरा एरिया अगर हम देखें तो मुतासिर है, अल्लाह सबकी मदद करे। हर जहां भी आप नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ तबाही तबाही नज़र आ रही है। कुछ मकान तो ऐसे है कि इसका मतलब नामो निशान तक नहीं है, तो वो हम आपको नहीं दिखा सकते। अलबत्ता जो थोड़े बहुत डैमेज है वो आपको दिखा सकते हैं। तो साथ रहे, मैंने पिशमाल में और चीज़ें भी आपको दिखानी है। हर एक गांव इतनी शदीद सख मुसीबत में है कि एक दूसरे से वो राबिता भी कल तकरीबन बहाल हुआ। अच्छा। और एक पुल यहाँ जो अपनी मदद आपके तहत लोगों ने वो तकरीबन वो पैदल के लिए बनाया, और इस पिशमाल की तरफ वो आते जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत की वो चीज़ें मौजूद नहीं है।